कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के नेतृत्व को लेकर पार्टी नेताओं की चिंताओं पर सोनिया गांधी ने दी नसीहत। कहा, मैं पूर्णकालिक अध्यक्ष हूं, पूरा संगठन कांग्रेस को फिर से जिंदा करना चाहता है, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखने की जरूरत, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की आवश्यकता। मीटिंग में G23 के नेता भी शामिल हुए। सोनिया गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में राज्यों के विधानसभा चुनाव पर की चर्चा। अध्यक्ष पद के चुनाव अगले साल होंगे। अफगानिस्तान के कांधार में एक बार फिर शिया मस्जिद पर हमला। बीबी फातिमा मस्जिद में हुए हमले में 47 लोगों के मारे जाने की खबर। ईरान ने बयान जारी कर हमले की आलोचना की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, शिया मस्जिद पर हमला शियाओं के खिलाफ हिंसा। दुनिया भर में शिया और सुन्नी को एक होने की जरूरत। पिछले हफ्ते उत्तरी अफगानिस्तान में एक शिया मस्जिद में हुए हमले में मारे गए थे 46 लोग। हमले की तालिबान ने भी की निंदा। केरल में भारी बारिश से जलभराव के हालात। 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी। पठानमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जैसे जिलों में भारी बारिश का अनुमान। राज्य के अलग अलग इलाकों में 17 अक्टूबर की सुबह तक भारी से बहुत भारी बारिश होने के अनुमान है। 18 अक्टूबर को अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और 19 अक्टूबर की सुबह बारिश में कमी का अनुमान। 7 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापूझा, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड और वायनाड में ऑरेंज अलर्ट जारी। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार फिल्म गदर का बनेगा सीक्वल। फिल्म का मोशन पोस्टर शुक्रवार को हुआ लॉन्च। गदर फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा बोले, अगले साल रिलीज होगी फिल्म। गोविंदा और काजोल को करना चाहते थे साइन, लेकिन फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल और अमीषा पटेल दिखेंगे। 20 साल बाद आ रहा है गदर का सीक्वल गदर 2। 2001 में आई फिल्म गदर ने सिल्वर स्क्रीन पर की थी मोटी कमाई। और IPL 2021 के खिताबी मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत। धोनी की अगुवाई में CSK का यह चौथा टाइटल खिताब। 193 रनों के लक्ष्य का सामना करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर्स में बनाए 165 रन। CSK ने 3 विकेट खोकर बनाए थे 192 रन। KKR और CSK के बीच ये था दूसरा खिताबी मुकाबला। ऑरेंज कैप विजेता ऋतुराज गायकवाड़ और पर्पल कैप विजेता बने हर्षल पटेल।